उत्तर प्रदेश की राजनीति जहां सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह एक नहीं कई हैं। राम मंदिर निर्माण के बाद से प्रदेश की राजनेताओं के सामने अपनी स्थिति को बेहतर बनाने का दबाव बढ़ा तो राजनीतिक दलों में राम मंदिर का मुद्दा गर्मा गया। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राम मंदिर का दर्शन किया था। इसमें विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक भी दिखे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी विधायकों के राम मंदिर दर्शन के लिए ना जाने की बात कही थी। इस पर कई विधायकों की नाराजगी आई थी। हालांकि राज्यसभा चुनाव के बाद पार्टी के विधायकों का बागी रुख सामने आ गया है। यूपी विधानसभा में पार्टी चीफ व्हिप रहे मनोज पांडे बागी हो चुके हैं। अब उन्होंने राम मंदिर जाने का फैसला कर प्रदेश की राजनीति को गर्मा दिया है। मैं समझता हूं मैं बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन का सौभाग्य हमें सपरिवार मिल रहा है। मैं उनके चरणों में जाकर के इसके लिए उनका आभार प्रकट करूंगा, कोटि कोटि आभार प्रकट करूंगा। उनके दर्शन मात्र से ही, जब कहा जाता हो कि भगवान प्रभु राम के दर्शन मात्र से व्यक्ति को बहुत असीम ताकत मिलती है। और मैं तो ताकत इस बात के लिए मांगूंगा कि अपनी विधानसभा क्षेत्र ऊंचाहार, अपने जनपद के लोगों को और प्रदेश भर के उन तमाम लोगों को जो कि अभी भी समाज में अंतिम पायदान पे किसी कारण से पड़े हैं, उनको छांटना है, उनको ढूंढना है और उनको मुख्य धारा से जोड़ना है। मैं ये जरूर उनसे भगवान से मांगूंगा। दर्शन करने जा रहे हैं, कितना गर्वान्वित महसूस करें, क्योंकि जहां पे समाजवादी पार्टी में थे वहां कई बार देखा गया रामचरितमानस का कभी अपमान किया गया, कभी राम का, कभी सदन में उनके विरोध में किया गया। कितने हजार वर्ष पूर्व लिखी रामचरितमानस पर लोगों ने टिप्पणी की, लेकिन मनोज पांडे जिंदा व्यक्ति हैं और मैं मानता हूं कि अगर व्यक्ति सही नहीं बोल पाता है तो वो मृत शरीर के बराबर है। मैंने वहां पर भी इसका विरोध किया है, लगातार किया है, इसका प्रतिरोध किया है और मैं बहुत हर्षित हूं, बहुत मन में खुशी है। समाजवादी कि अलग हुए हैं? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी में हूं, मैं कहां अलग हुआ हूं? जो अभी बीच में आकलन चल रहा है, समाजवादी पार्टी में हूं और मैंने वहां पर भी जब भगवान प्रभु राम के बारे में गलत टिप्पणियां की गई हैं उनका मैंने विरोध किया है। गलत चीजों का लगातार विरोध करेंगे, अनैतिक चीजों को मनोज पांडे ने कभी बर्दाश्त नहीं किया अपने जीवन में, इसके लिए मैंने बहुत नुकसान उठाया। लेकिन भगवान प्रभु राम के ऊपर हमला हो, भारत माता के ऊपर हमला हो, सनातन पर हमला हो, ये अधिकार न भारतीय संविधान में और ना एक स्वस्थ और सब समाज में किसी को दिया गया है। जो इसका मान करेगा, जो गलत टिप्पणी करेगा, उसका अस्तित्व समूल रूप से जाएगा। सपा के घटक दल है पल्लवी पटेल, उन्होंने भी टिप्पणी करी है, विधायकों पे कहा है कि राम की भक्ति भी करने से भी उनके आगे झूठ बोलने से कोई इसका फायदा नहीं होगा। नहीं, उनका भी काम नहीं बन पाया है, उन्होंने प्रयास किया था, काम नहीं बन पाया है, तो वो उनकी किसी बात पर हमको कोई जवाब नहीं देना। उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है और दिमाग को एकाग्र करने की जरूरत है कि कहाँ खड़ा होना चाहिए और कहाँ क्या बोलना चाहिए। अभी आप निकल रहे हैं, इससे पहले अभी आप सीएम योगी से भी मुलाकात करेंगे? नहीं नहीं, हम अपने निजी काम से जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के दिन रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडे ने बागी रुख अपना लिया। उन्होंने सबसे पहले पार्टी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने भाजपा के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ के पक्ष में वोटिंग की। इस चुनाव में संजय सेठ प्रथम वरीयता के 29 वोटों को हासिल कर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।